Now, rule number fifth. When there is one subject and more than one verb, the verbs throughout the sentence have to agree with the subject. मतलब जब सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है बट एक से ज्यादा वर्ब्स हैं तो वो सारे वर्ब्स एग्री करने चाहिए सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई रीच माई ऑफिस बाय 9, लीव फॉर होम बाय 6. सो रीच एंड लीव दोनों ही जो वर्ब्स हैं वो एग्री कर रहे हैं सब्जेक्ट आई. सेकेंड एग्जाम्पल, फादर विथड्रॉज सम मनी फ्रॉम द बैंक एंड गिव्स इट टू मी एवरी मंथ. सो विथड्रॉज एंड गिव्स दोनों ही जो वर्ब्स हैं वो एग्री कर रहे हैं सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट फादर. नाउ रूल नंबर 6, व्हेन सब्जेक्ट इज कलेक्टिव नाउन दैट डिनोट्स अ कलेक्शन एज अ सिंगल यूनिट इट टेक्स सिंगुलर वर्ब. जब सब्जेक्ट कलेक्टिव नाउन है और उसे कलेक्टिवली बोला जा रहा है सेंटेंस में, कलेक्टिवली बोला जा रहा है सेंटेंस में, तब सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा. बट However, when it represents each member, it takes a plural verb. But अगर हर एक member की बात की जा रही है sentence में तब हमें plural form of verb use करना है. For example, the stack of books on that table is mine. Collectively book की बात की जा रही है इसलिए हमने singular form of verb use किया है. Second example, the team have collected their certificates. हर एक member की बात की जा रही है sentence में इसलिए प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है हैव कलेक्टेड. नाउ रूल नंबर 7, वी यूज सिंगुलर वर्ब विद प्लूरल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस एंड मेजरमेंट्स, पीरियड ऑफ टाइम, सम ऑफ मनी एक्सेट्रा. सो जब सेंटेंस में डिस्टेंस की बात हो रही है, मेजरमेंट की बात हो रही है, या टाइम या मनी की बात हो रही है, तब हमें सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, 20 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वे टू ट्रैवल बाय बस. इस सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज किया जब सेंटेंस में डिस्टेंस की बात हो रही है. सेकेंड एग्जाम्पल, 1.5 hours हैज बीन अलॉटेड टू ईच स्टूडेंट टू राइट द एसे. अब सेंटेंस में टाइम की बात हो रही है तब भी हमने सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया, दैट इज हैज बीन अलॉटेड. थर्ड एग्जाम्पल, 2,000 rupees इज टू मच फॉर दिस ड्रेस. अब सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, रुपीज की बात हो रही है, तब भी हमें सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है जैसे यहाँ पे इज यूज किया है. नाउ रूल नंबर 8, वी यूज सिंगुलर वर्ब्स विद अनकाउंटेबल नाउन्स सच एज वाटर, शुगर, इंफॉर्मेशन, ब्यूटी एंड काइंडनेस. सो जब सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन्स है तब हमें कैसा वर्ब यूज करना है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल, द हनी यू गॉट फ्रॉम द फार्म वॉज डिलीशियस. सो उसमें सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, हनी की बात हो रही है, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन. सो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ड यूज किया है. करप्शन नीड्स टू बी एबॉलिश फ्रॉम द सोसाइटी. सो दैट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन. सो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ड यूज किया है. नाउ रूल नंबर 9, nouns such as news, mathematics, arms and missiles do not have singular form. अब इन सभी को सिंगुलर फॉर्म नहीं है बट दे आर यूज विद सिंगुलर वर्ब्स. बट हमें उनके साथ सिंगुलर वर्ब्स यूज करने. फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंगुलर फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट नहीं है बट हमें सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है. सो फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट. सेकेंड एग्जाम्पल, द सेकेंड इनिंग्स ऑफ द मैच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ रूल नंबर 10, books, magazines, newspapers and countries with a plural name. अगर book, magazine, newspaper या country किसकी भी बात हो रही है सेंटेंस में और वो plural form है तब हमें यूज करना है singular verbs. For example, the United States of America is smaller than Canada in size. So, singular form of verb हमने use किया.